सामान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चीन के सामान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, इंडियन आर्मी जिंदा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाइना तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जय भारत माता की, जय जनता, चाइना हाय तू, हाय तू, हाय तू, जनता, चाइना कि चीन ने अपनी लेबोरेटरी में इस वायरस को जन्म दिया और पूरी दुनिया में फैलाया, और आज जब पूरी दुनिया चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, और चाइना ने पूरी दुनिया का ध्यान इस बात से हटाने के लिए भारत के ऊपर, भारत के नौजवानों के ऊपर, भारत के सेना के जवानों के ऊपर कायराना हमला किया। लद्दाख क्षेत्र में दो दिन पहले ऊंचाई से पत्थर फेंककर और कांटेदार तार वाली लाठियों के साथ हमारे 20 जवानों की निर्मम हत्या की, लेकिन भारत के जवानों ने प्रतिकार किया, डटकर मुकाबला किया, और बदले में 43 चीन के जवानों को मौत के घाट उतारा और चीन को मजबूर किया कि वो अपनी सीमा में चला जाए। लगातार चीन सीमा पर दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, और चीन की वजह से आज पूरी दुनिया त्रस्त है। हम महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से आज एक ज्ञापन हम आज माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं, और हम मांग करते हैं कि चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और चीन को सबक सिखाया जाए। साथ ही हम पूरे देश के, प्रदेश के और जिला के वासियों से अपील करते हैं कि वो कोई भी चाइनीज़ सामान ना खरीदें, ना इस्तेमाल करें, और अब आज के पश्चात सभी लोग स्वदेशी को इस्तेमाल करें। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का नारा दिया है। हम सभी मिलकर आज यहाँ अपने सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जिला के वासियों से आह्वान करते हैं कि चाइना के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। हम सभी इन अमर जवान, जो हमारे वीर जवान हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें।